बेगूसराय के छौराही थाना क्षेत्र में आए दिन राहगीरों के साथ लूट की घटना होते रहती है। विरोध करने पर मारपीट कर जख्मी करना अब तूल पकड़ने लगा है। बताते चले कि बुधवार देर शाम थाना क्षेत्र के सहुआरी पंचायत के प्राणपुरा जरा की कब्रिस्तान के निकट की घटना सामने आई है। उक्त पंचायत के पूर्व पथार गाँव निवासी पवन पासवान का पुत्र राजकिशोर पासवान ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं मजदूर वर्ग का एक आदमी हूँ, एलईडी बल्ब सप्लाई का काम करता हूँ। बुधवार शाम मैं दरभंगा जिले के बहेरी से बल्ब बेचकर वापस आ रहा था, तो जगदीश पासवान पिता फेकन पासवान, गोपाल पासवान पिता रामचंद्र पासवान एवं रवि पासवान पिता जगदीश पासवान सभी गांव प्राणपुरा छराही थाना छराही जिले बेगूसराय निवासी प्राणपुरा कब्रिस्तान के निकट घात लगाए बैठे थे। मैं वहाँ पहुँचा तो रवि पासवान ने हाथ में सरिया रखा था, जबरन हमें रोका। मैं अपनी बाइक से आ रहा था, मुझे रोकना पड़ा। रोकने पर उक्त तीनों व्यक्ति गाली गलौज करते हुए मुझे मारने लगे। रवि पासवान सरिये से मेरा दायां पैर तोड़ दिया। मैं चिल्ला रहा था मेरी आवाज को सुनकर, जब तक पड़ोस के ग्रामीण मेरे पास पहुंचे उससे पहले मेरी बेहोशी की हालत हो चुकी थी। मेरे जेब में एंड्रॉइड मोबाइल 8,500 रुपये और मेरा आधार कार्ड लेकर फरार हो गया। ग्रामीणों ने मेरे परिजन को सूचना देकर बुलाया, फिर हमें इलाज के लिए प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र छौराही लाया गया। प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि प्राथमिक उपचार किया गया है, इसे बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर करना होगा। प्रभारी थाना अजय कुमार ओझा ने बताया कि आवेदन मिला है, घटना की जानकारी कर आरोपी पर कार्रवाई किया जाएगा। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए छौराही से हेमकांत सिंह की रिपोर्ट। सप्लाई केयर का कमाई है और गुजर बसर गए 24 के लिए और हमें वहाँ साबित रही है बहरी सप्लाई केयर का और ये तीनों वहाँ पर रोड लेके कौन जगदीश पहचाने उसको पासवान और रवि पासवान का लड़का और गोपाल पासवान तीनों सरिया वाला रोड लेके वहाँ खड़ा है। हम लिए मोटरसाइकिल स्लो कर लिए, रोके के लिए हाथ दल के स्लो के लिए पर मार दल के हमें पर गिर गए और घींच को कब्रिस्तान में ले गए। फिर हम वहाँ हल्ला वल्ला के लिए ना तब वो भाग गए और 8,500 रुपया रहे मोबाइल और आधार कार्ड हम से निकाल के तब वहाँ से रास्ता मुझे बढ़ा दें। नहीं, वो टूटा हुआ था, उसको देखें अभी और यहाँ पे कोई ऑर्थोपेडिशियन नहीं है इसीलिए इनको रेफर कर दिया।